ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे भैया हमें जेल में ही मत भेजो। तो अपराधियों को मेहमानदन करते थे, हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लगवा देंगे। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। साल 2017 अपराधी कुंडे यूपी छोड़कर चले जाएं, 2018 दंगा किया तो सात पुश्ते भुक देंगे, साल 2019 बाबा का बुलडोजर आ रहा है, साल 2020 गाड़ी कभी भी पलट सकती है, साल 2021 नो दंगा सब जंगल, साल 2022 मई जून की गर्मी में शिमला बना दूंगा, साल 2023 और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, साल 2024 में योगी ने बिल्कुल नई बात कही और वो ये कि हम राम को ही नहीं लाते, राम नाम सत्य भी करवाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बीजेपी के प्रचार युद्ध की टैगलाइन दी। योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सोसाइटी के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहन और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद एक बात साफ हो गई कि यूपी में क्लीन स्वीप यानी 80 में से 80 के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर सुपर हिट रहा योगी मॉडल इन चुनावों में बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहने वाला है। योगी शुरू से ही यूपी में उस राम राज्य की स्थापना की बात करते आए जिसमें राम का नाम है, विकास का काम है और कानून का राज है। असल में योगी ने अपने ताजा राम राम वाले बयान से वोटर्स को संदेश दिया कि राम मंदिर बनाने का एक कठिन संकल्प पूरा हो चुका है, अब बारी 24 में राम राज्य की स्थापना की है। नींव में है समानता, सबका विकास और जड़ से खत्म माफियाओं का राज। अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो बहनों और भाइयों। तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे भैया हमें जेल में ही मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहन और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। योगी राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में जानना समझना जरूरी कि योगी ने इस दिशा में अब तक क्या काम किए। तो इसे ऐसे समझिए कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में अब राम है। यूपी का जो चहुमुखी विकास हुआ उसमें योगी का काम दिखता है और रही बात गुंडागर्दी की तो उस पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है और यही है योगी आदित्यनाथ का सुशासन मॉडल जिस पर इस वक्त यूपी सरपट दौड़ रहा है, क्योंकि गरीबों का विकास हो रहा है, कमजोरों का उत्थान हो रहा है और इसलिए योगी का चारों तरफ गुणगान हो रहा है। शनिवार को पीएम मोदी सहारनपुर में योगी के साथ मंच पर थे, सुनिए क्या कहा। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है, भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले।
भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। कभी विकास की रेस में दूर खड़े दिखाई देने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर योगी ने कैसे बदल कर रख दी। 2017 से पहले यूपी की राजनीति क्या थी, 2017 से पहले की सरकारों ने क्या किया, 2017 के बाद यूपी में क्या कुछ बदला, इसे समझाने के लिए आज आपको योगी सरकार के कामकाज की पूरी बैलेंस शीट दिखाएंगे। योगी के विकास मॉडल की एक एक डिटेल बारीकी से समझाएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान योगी खुद बदलते यूपी की इस नई तस्वीर को लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को मेहमानदान करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे नहीं कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं। फिर से मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2017 के बाद योगी ने यूपी में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। योगी सरकार के मूड को नई पीढ़ी के गिरोह अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वो आदित्यनाथ के स्कैनर से दूर रहने में भलाई समझ रहे हैं और यही योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। जो अभियान माफियाज के खिलाफ चलाया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, सरकारी भूमि पर जो उनके कब्जे थे हटाए गए, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव अपराध स्थिति पर पड़ा है। ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है जिसके तहत जो मुकदमे वर्षों से लंबित थे, कुछ गवाहियां जिनमें नहीं हो पा रही थी उनमें गवाहियां करा के उनमें सजा कराई जा रही है। सीएम योगी का पहला कमिटमेंट है यूपी से माफियाओं का खात्मा और इस मिशन को 2024 में भी योगी कंटिन्यू करने वाले हैं। हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट योगी की टेबल पर है, मकसद यही कि कोर्ट से जल्द सजा दिलवाई जाए। 2024 में इस लिस्ट पर और तेजी से काम होने वाला है। किसी भी माफिया अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस बात की गवाही मिलती है कि 2023 के लास्ट में आए लेटेस्ट आंकड़ों से। मार्च 2017 से लेकर अभी तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 17,837 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 124,04,18,00,000 की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। करीब 68 माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। 2024 में लिस्ट और बढ़ने वाली है क्योंकि फोकस यूपी में राम राज्य लाने का है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ये नौजवान उसकी चपेटे में आता था, वोट हमारा। तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। योगी सरकार नियमित रूप से माफियाओं को खत्म करके राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी सफलता का ढिंढूरा पीट रही है। इसी का असर है कि यूपी में कारोबार और निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई दूसरे राज्यों ने न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर योगी मॉडल को सराहा बल्कि इसे अपनाया भी। इतना ही नहीं, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में योगी मॉडल को प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाती नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन के अलावा एक और एक्शन की बात अक्सर सीएम योगी खुले मंचों से करते हैं और वो है मुठभेड़ यानी एनकाउंटर। अक्सर योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया है।
योगी ने जब से सत्ता संभाली, ऑफिशियल आंकड़ा है कि पिछले 7 सालों में 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इनमें से 197 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। हालांकि मानवाधिकार इन आंकड़ों पर सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत करती है। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एकदम जीरो है। यहाँ अपराधी थर थर कांपते दिखाई देते हैं। योगी राज में फिरौती किडनैपिंग करना पाप है, ऐसा जिसने करने की जरूरत दिखाई समझो उसका सर्वनाश है। कोई गुंडा उद्योगपतियों से वसूली नहीं कर पाता, जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं करा पाता। पेशेवर या राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले गुंडों से मुक्त उत्तर प्रदेश अब काफी आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बड़े स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं सारे पुलिस अधिकारियों को। इससे वो जो लोकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं MLAs के, MPs के, मिनिस्टर्स के, उस प्रभाव से भी पुलिस अधिकारी काफी हद तक अपने को मुक्त महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2017 से पहले और आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखें तो ये 360 डिग्री घूम चुकी हैं। पहले और आज के यूपी की राजनीति का फर्क जमीन पर साफ दिखाई देता है।